फन फूड फिटनेस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब हेल्थी और फिट होंगे। तो दोस्तों, हमारी घर की रसोई में बहुत से स्पाइसेस, ग्रेन, सीरियल्स, काफ़ी कुछ होता है और ये सब बहुत ज़रूरी हैं और काफ़ी हेल्दी भी हैं। उनमें से एक स्पाइस है अजवाइन, जिसको हम कैरम, अजोवन, अजवान के नाम से जानते हैं और ये काफ़ी कॉमन स्पाइस है जो हर घर में मिल ही जाता है। ये एपियासिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये फेनल, कारवे, क्यूमिन, सियासीड फैमिली का एक मेंबर है। इसका टेस्ट काफ़ी बिटर और थोड़ा एरोमेटिक होता है। ये दूसरे स्पाइसेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जैसे दूसरे स्पाइसेस होते हैं उनकी तरह ये खुशबूदार नहीं होती, ज़्यादा एरोमेटिक नहीं होती, लेकिन टेस्ट वाइज ये उनसे ज़्यादा एरोमेटिक है। टेस्ट वाइज इसका जन्म काफ़ी पुराना माना गया है, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, मतलब ईरान या इजिप्ट में माना जाता है। इंडिया में भी इसका ओरिजिन माना जाता है। इंडिया के राजस्थान में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 60% खेती इंडिया की अजवाइन की राजस्थान में ही होती है और इसको काफ़ी तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको हम ड्राई ही खाते हैं और इसको पानी के साथ भी या दूध के साथ भी खाया जाता है। इसको काफ़ी फूड में भी हम यूज़ करते हैं, इंडियन कुजीन में, पर्शियन कुजीन में, यूरोपियन कुजीन, चाइनीज़ कुजीन में, काफ़ी खानों में भी डलती है ये और काफ़ी बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ होता है, जैसे पेस्ट्रीज, ब्रेड, स्नैक्स, कुकीज़, फ्रूट सैलड्स। और अगर इसका टेस्ट पूरी तरह से अपने खाने में उतारना है तो इसको कभी भी खाना बनाते टाइम नहीं, जब खाना बन जाए तो बनने से 5-6 मिनट पहले इसको खाने में डालो, ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे। क्योंकि अगर इसको आप पहले डाल दोगे तो इसके जितने मिनरल्स, ऑयल्स और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो इसमें होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए इसका प्रयोग खाना बनने के बाद खाने में डालें। और इसका पानी बना के भी यूज़ किया जाता है, जैसे रात को आप 8-9 ग्राम करीब थोड़े से पानी में भिगो के रखो और मॉर्निंग में इसको 2 लीटर पानी में डालकर बॉयल करो और इसको तब तक बॉयल करो जब तक इसका रंग गोल्डन नहीं हो जाता, और फिर उस पानी को गुनगुना करके यूज़ करो। और इसको रोज़ मॉर्निंग में अगर खाली पेट आप पीते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कई बार हम अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तो पानी वगैरह चेंज होता है, जिससे कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर उस टाइम इस पानी का यूज़ आप करोगे तो आप बच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर बहुत से एंटी डिजीज़ प्रॉपर्टी, एंटी फंगल, एंटी फ्लेटुलेंट प्रॉपर्टीज़ और एलर्जिक एसिड रहता है इसमें, जो एलर्जी वगैरह को ख़त्म करता है। काफ़ी सारे मिनरल्स, एंटीबायोटिक कंपाउंड होते हैं इसमें जो दर्द और सूजन से राहत देते हैं। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हील प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, थायमल केमिकल होता है इसमें और इफ़ेक्टिव इन पॉप्टिक अल्सर, ये पेट के ऊपर की सतह के जो अल्सर होते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंटी फ्लेमेलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिससे इसका गठिया और जोड़ों के दर्द को दूर किया जाता है और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये अच्छा रखती है, हेल्दी रखती है, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, वेट लॉस के लिए बहुत काम आती है, पेट दर्द के लिए तो रामबाण है। पेट दर्द के लिए इसको ऐसे ड्राई खाओ और ऊपर से गुनगुना पानी पी लो तो जिसके पेट ठीक हो जाता है। इसमें थायमोल केमिकल होता है जो गैस्ट्रिक बदहजमी और एसिडिटी को दूर करता है। डायरिया और अनिद्रा के लिए भी इसका पानी काफ़ी उपयोगी है। कोल्ड कफ खांसी के लिए भी बहुत उपयोगी है। कोल्ड कफ खांसी के लिए इसको भून कर किसी कपड़े में बांध कर और इनहेलर की तरह इसको बार बार सूंघने से काफ़ी आराम मिलता है। इसका ऑयल काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसका ऑयल पेन किलर का काम करता है। कहीं पे भी दर्द है, इसके ऑयल से मालिश की जाती है तो दर्द कम होता है। और माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम के लिए भी ये कारगर है। इसको गर्म करके कपड़े में बांध के पेन की जगह पे सेक्का देने से भी दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दांतों के दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे ब्लड को साफ़ करती है। तो दोस्तों, इसको अपने खाने में थोड़ा थोड़ा यूज़ करो।
और अगर इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो इसकी कम मात्रा आप ले सकते हो, क्योंकि कुदरत की बनाई इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो हम हेल्दी रहेंगे, और ये ज़्यादा खाएं तो नुकसानदायक भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।